हेलो फ्रेंड्स, करंट माइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा जो होने वाला है नो योर सेल्फ का सीरीज, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल होने वाला है। तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में क्विज को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमारे क्वेश्चन क्या था, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय ए ह्यूमन। तो आई होप आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है, अगर कोई एक एवरेज ह्यूमन है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति है, वो रेस्ट अवस्था में प्रोड्यूस कितना करेगा, अराउंड 100 वाट ऑफ पावर। 100 वाट का पावर ये प्रोड्यूस कर सकता है एक नॉर्मल आदमी, ठीक है। अगर ये कुछ समय के लिए प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन, अगर नॉर्मली है, तो वो 300 टू 400 वाट तक प्रोड्यूस कर सकता है। अगर किसी वेरी शॉर्ट बर्स्ट में, एकदम बहुत जैसे क्षणिक समय में हाईली एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको क्या कितना प्रोड्यूस कर सकता है, करीब 2000 वाट तक प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इस सीरीज का हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो पहला हमारा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल का, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स पाए जाते हैं। तो आपका समय शुरू हो चुका है, तो आपको पता है हम इस क्विज में समय अंतराल आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर है 448 आर्टिकल्स, इतने आर्टिकल्स पाए जाते हैं। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा बात कर लेते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स, इसको शॉर्ट में देखते हैं। तो भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल्स होते हैं एंड 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल हैं, जो और 104 अमेंडमेंट हुए हैं, मतलब 104 सुधार हुए हैं। कब तक का ये डाटा, ये डाटा है 25 जनवरी 2020 का ये डाटा है। और ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल प्रिंट है, एंड ये बाद में इसको प्रिंट किया गया है। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड यही लिखा हुआ है सेंटेंस, ठीक है। अब इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है। तो आपका समय शुरू हो चुका है, आपको इसी समय अंतराल में आई हो बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बनाया और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे, जो कि जिनका क्या काम था, उनका काम था एग्जामिन इन द डिटेल ऑल इश्यू रिलेटिंग टू द कंट्री। भारत देश में जितने भी इश्यूज हैं उनको डिटेल में पता करना इनका काम था, कमेटी के मेंबर्स का, और फिर उससे बनाया गया भारत का संविधान। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है। तो आपका समय शुरू हो चुका है, आपको इतने ही समय अंतराल में आंसर देने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे भारत देश का नाम है, इंडिया का नाम भारत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया या फिर भारत को बोला जाता है, तो उसको भारत नाम से जाना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम अवर कंट्री एज इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है। अब द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट, पहला आर्टिकल भारत के संविधान का क्या कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो एक संघ है किसका, राज्यों का, ठीक है। इम्प्लिसिटली कोडिफाइंग इंडिया एंड भारत एज इक्वली ऑफिशियल शॉर्ट नेम फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का शॉर्ट में हम बोल लेते हैं इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है हमारा, भारत, ठीक है। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट, भारत का संविधान कहां पर रखा गया है।
तो आपका समय शुरू हो चुका है, आपको इतने समय अंतराल में आंसर देने हैं। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, नहीं मिला है या फिर मिल गया तो आइए देखते हैं। भारत का संविधान रखा हुआ है द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद की जो लाइब्रेरी है उसमें रखा गया हुआ है भारत का संविधान, जिसमें कि एक हीलियम गैस फिल की गई है और ये इमेज दिख रहा है। इस इमेज में हमारा भारत का ओरिजिनल संविधान है, ये कांच से ढका हुआ है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, और ये नीचे मशीन है जो कि पहला संविधान इसने प्रिंट किया था, इसी मशीन से प्रिंट किया गया था, ठीक है। अब भारत के संविधान की कॉपी बनाई गई कैसे, उस कॉपी को बनाया गया फोटोलिथोग्राफ मेथड से, हूबहू ग्राफिकल जो डिजाइन होती है उसको पेपर पे कॉपी कर लिया जाता है, और इसे कॉपी बनाया गया था कहां से, द ऑफिसेस ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून, देहरादून में पहली कॉपी बनाई गई थी, ठीक है। अब इसी से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द यंगेस्ट सीएम, भारत के यंगेस्ट सीएम कौन थे और किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के थे। तो आपका समय शुरू हो चुका है, आपको इतने ही समय अंतराल में आंसर देने हैं, तो आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। तो आंसर है एमओ हसन फारूक मरकार, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 6 सितंबर 1937 को एंड 26 जनवरी 2012 को इनका डेथ हुआ था। ये 3 times चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी, पांडुचेरी के 3 ये यंगेस्ट सीएम बन चुके हैं, ठीक है। ही वॉज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, पांडुचेरी उसका नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस यूटी के थे, तो वो पांडुचेरी है, ठीक है। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को किसने लिखा था, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, समय अंतराल शुरू हो चुका है, आपको उतने ही समय में आंसर देने हैं, आपका समय समाप्त हो चुका है। आई होप बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है, इन 1946 में अय्यानगर, उनका पूरा नाम था सर नरसिम्हा गोपाल स्वामी अय्यानगर, उन्होंने ही पहली बार लिखा था 370। वो क्या हुए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी जिसके की प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, और वो कब हुआ था, दिसंबर 1946 में, ठीक है। 7th मेंबर चूज किए गए थे ये अय्यानगर, ठीक है, और यही है इनका इमेज दिख रहा है यहाँ पे। इन्हीं ने आर्टिकल 370 जो कि विवादित रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, इन्होंने ही लिखा था उसको, ठीक है। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया इन 2020, 2020 में कितने राज्य हैं भारत में, ठीक है। तो आपका आंसर सोचना होगा, आप आंसर ढूंढ भी चुके होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है, टोटल है 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी, 8 यूटी हैं, फॉर द टोटल 36 एंटिटीज हैं, मतलब 28 और 8 को मिलाकर टोटल कितने हैं, यूटी एंड स्टेट को मिलाकर 36 हैं, ठीक है। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंडिया, व्हाट इज द इंडियाज फुल नेम, भारत का पूरा नाम क्या है। इस सीरीज का आपको समय में अंतराल में आंसर देना है, ठीक है। तो समय आपका समाप्त हो चुका है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो आंसर है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या कहा जाता है, भारत, ऑफिशियली इसे क्या बोला जाता है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है भारत गणराज्य, इज द कंट्री इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में भारत है, ठीक है। इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एरिया, एरिया के नजरिए से भारत जो है 7वीं सबसे बड़ी देश है, 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड 2nd नंबर पर है भारत, पहले नंबर पे चाइना है, द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेटरी इन इंडिया सॉरी वर्ल्ड, ठीक है, विश्व में सबसे पॉपुलस डेमोक्रेटरी डेमोक्रेसी कंट्री जो है वो इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 35A इन कश्मीर, कश्मीर से रिलेटेड 35A क्या है, ठीक है। इस सीरीज का आंसर देना है, समय अंतराल आपका समाप्त हो गया है, ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। आपका आंसर है
ये आर्टिकल क्या बताता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 35A पावर देता है जम्मू कश्मीर स्टेट्स लेजिस्लेचर को नियम बनाने को, जो कि डिफाइन करता है परमानेंट रेजिडेंस, पूरी तरीके से उनको वहां का निवासी रहने के लिए रेजिडेंस प्रोवाइड कराता है ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट। ये कि स्पेशल राइट प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 35A एंड प्रिविलेजेस टू दोज परमानेंट रेसिडेंट्स। ठीक है, सबको परमानेंट रेसिडेंट प्रोवाइड कराता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड हमारा चैनल लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे वीडियो मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।